बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वीडियो लिंक के ज़रिए से अपने दोस्तों को, पूरे ज़िले में पार्टी वर्कर्स को एक पैगाम देना चाहता हूं कि इस मौजूदा अदालत के फैसले से जो सूरत हाल सामने आई है उससे आपको बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए। हमारे पास गुंजाइश मौजूद है कि हम इस फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे, और आपको मैं एक यकीन से कहता हूं कि ये मेरी वालिद साहब की बुज़ुर्गों की दी हुई एक प्रॉपर्टी है या जायदाद है कि जो एक छोटे से देहात में है, और उसको चैलेंज किया गया है। ना ये मैंने खरीदी है, ना ये मुझे कहीं से गिफ्ट हुई है, और अगर ये विरासती इंतकाल नहीं हुआ तो ये शायद रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गलती हो सकती है, इसमें मेरा ज़ाती कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं यकीन से कहता हूं कि कानूनी तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए हम अगली अदालत में जा रहे हैं। मेरा पैगाम आपसे सिर्फ ये है कि इंशाल्लाह इलेक्शन हम लड़ेंगे, भरपूर अंदाज से लड़ेंगे, और जो लोग बैक डोर से देखना ये चाहते हैं कि वो पिछले दरवाजे से दाखिल होके हमें किसी तरीके से नॉकआउट करें, इंशाल्लाह ना हम नॉकआउट होंगे, हम मैदान में रहेंगे। और मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि आप अपने मुराल को कायम रखते हुए पूरे तरीके से 25 तारीख के मुकाबले के लिए तैयार रहें। परवरदिगार हमारा हमें नासिर होगा। खुदा हाफिज़।